गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोहित और हम हिंदी के थ्रू आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। दैट इज अ वेरी इजी वे टू लर्न इंग्लिश, स्पेशली फॉर इंडियंस, बिकॉज उनको इंग्लिश से इंग्लिश सिखाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप 2-3 मिनट में तीनों टेंस सीख जाएंगे, जबकि काफी टाइम लगता है लोगों को सीखने में। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट कुछ ऐसा बताऊं, कुछ ऐसा तरीका निकालूं जिससे आप फटाफट सीख जाएं। तो आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, तीनों नाम में कुछ कॉमन है, दैट इज परफेक्ट। क्या कॉमन है? परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, खाया है, पिया है। इसका मतलब होता है कि कोई काम हो चुका है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट सीख जाते हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है, हूं और हो, और पास्ट का मतलब होता है था, थी और थे, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें वाक्य के अंत में, ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिसके वाक्य के अंत में वर्ब के साथ आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलेगा, उसे आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब है की जगह था कर दो तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था। अगर आप उसको था की जगह होगा कर देंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो सिर्फ एक शब्द बदल कर आप तीनों टेंस को समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, हम हैज हैव का यूज करते हैं। हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और हैज हैव के साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। हाँ, यहां पे एक बात ध्यान रखने की है कि हैज और हैव का यूज कैसे करना है आपको। हैज का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। I have taken food, मतलब मैंने खाना खा लिया है। I have taken food, I हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। I have plus take की थर्ड फॉर्म आ गई, taken food। And अगर हमने सब्जेक्ट चेंज किया, he एक सिंगुलर नाउन होता है, तो he के साथ हमने लगाया he has taken food। अगर पास्ट में बात करें तो देखिए यहाँ से has have को चेंज करके हमें सिर्फ had लगाना है और हमारा टेंस पास्ट का बन जाएगा। I had taken food, he had taken food। अगर फ्यूचर की बात करें तो आई हैड और आई हैव की जगह हमने लिया आई विल हैव टेकन फूड, आई ही विल हैव टेकन फूड, शी विल हैव टेकन फूड। तो एक एक शब्द बदलकर जस्ट हैज हैव की जगह हमने हैड ले लिया और हैड की जगह हमने हैव ले लिया, विल हैव ले लिया, तो हमारा एक एक टेंस चेंज हो जाता है। तो इट्स वेरी इजी। चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी पास्ट परफेक्ट, और चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरह से हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। आई हैव टेकन फूड, आई हैड टेकन फूड एंड आई विल हैव टेकन फूड। तो इस तरह से आप तीनों सेंटेंस बना सकते हैं बड़े आराम से। थैंक यू सो मच।